हिस्सा लीजिएगा ना, ज्ञान में हिस्सा लीजिएगा। तो हमने शुरू किया कि शिव को अपना गुरु बनाओ। दिक्कत क्या हुई, जो उसको मालूम था वो मैं बताता था। अब बाद में कभी महादेव हमको बोले ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर मैं बदल दू। तो शुरू शुरू में लोगों ने कहा इस ससुर दूसरा कुछ बोलता है, तीसरे साथ बदल देता है, छोड़ दिया। खैर समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं कितनी गिरती हैं, समुद्र को क्या करा। गुरु तो आपको कौन सिखलाएंगे, उम्मीद तो आप नहीं कर सकते ना कि कौन नहीं सिखलाएंगे। आप भड़क क्यों रहे हैं भाई साहब, शिव शिष्टा में क्या हुआ। आध्यात्म का मैंने और कहा ये तीन सूत्र हैं, ये शिव गुरु हैं, आप शिष्य बनिए, इसका लागू करिए अपने में, तीन सूत्र करिए। और मिला अनुभव, अभी अध्यात्म का ध बाकी है, यह बाकी है, मौ भी बाकी है, मौ में महेश। और मैं इतना सीनियर हो गया कि हमका बाप रे बाप, तो सरसा हमसे सीनियर है। हम पूछ रहे हैं कि सारा घर और पकड़े हुए, अभी व्यंजन पूरा बाकी है, तब संयुक्त अक्षर आएगा और तब आएंगे शिव। अध्यात्म मौन में आता है मौन महेश, डिस्कशन। तब चाबी थोड़ी कड़ी करने मैंने शुरू की, इतना दिन इंतजार करूंगा, मेरे पास तो वक्त कम है। तब मैंने कहा कि आप शिवसी से हैं, इसका देवघर में लोगों ने हमसे पूछा क्या हम इतना दिन से शिवसी से हैं, शिवसी से हुए कि नहीं। यही मैं क्या था देवघर को प्रणाम। तो हमने कहा कि हमसे क्या पूछते हो यार, अपने से पूछो। हम कहा देखो बाबू, गुरु शब्द का बहुत अर्थ होता है, ज्ञान देने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, तो हई तो हव तो हव तो हव, हम भी जानते हैं। एक शब्द उसका एक और अर्थ होता है जिसको तुम भूल गए हो। गुरु का मानी होता है भारी, इसी से गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बना है, इसी से गुरुतर गुरुतम ये शब्द व्याकरण में हमें पढ़ते हैं। गुरु मन होता है भारी, संबंध कौन बनाएगा बाबू, शरीर की मन। शरीर संबंध नहीं बनाता है, एक बिस्तर पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं और तलाक का मुकदमा होता है, एक बिस्तर पर दो सहोदर भाई रहते हैं और संपत्ति के लिए मुकदमे होती है। यानी मन मिलेगा तब न शरीर में लगता है। तो ये गुरु शब्द कौन सी के लिए भारी है, तुम्हारे मन के लिए भारी है नहीं यार। संबंध को मन बनाता है, तो बेटा से बनाए, बाप से बनाए, जिसे बनाना बनाए, गुरु से बनाए, मन बनाएगा। तो हमने कहा कि तुम्हारे मन में भारी कौन है इसका हिसाब तुम खुद कर दो। 24 घंटा ले लो, 8 घंटा छोड़ दो, उसका हिसाब आसमान रखेगा। जो सोते हो बचा 16 घंटा, 16 घंटा में देखो पत्नी ज्यादा याद आती है, पैसा ज्यादा आता है, विलासिता ज्यादा याद आती है, ऐश्वर्य ज्यादा याद कर सम्मान, सुविधाएं ज्यादा याद आती है कि शिव ज्यादा याद आता है। इसको कैलकुलेट करो अपने मन से, करो दूसरा दूसरा क्या कमाल करता। यानी 16 घंटा में 4 घंटा भी, 16 घंटा में तुम्हारा मन, 4 घंटा भी सब टोटल क्या शिव की परिधि में जाता है। अगर नहीं जाता है तो हरिद्वार ने इस काम को शुरू किया, मैं आपको शिव शिष्य होने का सर्टिफिकेट नहीं देने जा रहा हूं, शिव शिष्य होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, सीनियर से छोड़ दीजिए। यानी 16 घंटा में देखिए कितनी देर आप सांस पर नमः शिवाय करते हैं, कितनी देर भले माला पर करते हैं तो माला पर करते हैं, कितनी देर लोगों को शिव चर्चाओं में प्रेरित करते हैं, कितनी देर प्रेरित होते हैं, कितनी देर शिव आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसको टोटल कर लीजिए आप। अगर 4 घंटा होता है तब आइए मेरे सामने बैठिए,
मैं आपको बैठने की जगह दूंगा। उसके पहले आप कोशिश में हैं, कोशिश करिए। यही देवगढ़ में मैंने कहा था, 16 घंटा में 4 घंटा भी शिव की परिधि में, मैं गुरु की परिधि में नहीं कहता, मैं शिव की शिव के पास जाने को नहीं कहता। मैं जानता हूं कि हमारा आपका मन शिव के पास नहीं जाएगा, वो 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता, लेकिन शिव की परिधि में तो जा सकता। परिधि समझते हो यार, घेरा। जैसे एक बार मैं सचिवालय जा रहा, मेरी पत्नी ने कहा कि सचिवालय में देखिएगा कटहल कच्चा आया होगा, लेते आइए। मैं गया ऑफिस, जाते जाते घंटी बजाई, चपरासी आम पीए को बोला। हमने कहा पीए का देखिए कच्चा कटहल तो कुछ चाहिए छोटा छोटा। हाँ जी सर, बाजार तो शाम में लगता है जब ऑफिस से लोग निकलते हैं सचिवालय से। बटी रखे फिर 1 बजे खुद से फाइनेंस से मीटिंग से फिर आने वालों को कहा, अपने पीए को कहा अरे कटहल दिखवाए। अच्छा 3 बजे के बाद चपासी को कि पीवे सारा बोतल है, तुम जाके हो कटहल आया। आज सर अभी नहीं आया। अंत में 4:30 बजे 2 गो कटहल छोटा छोटा लेके अरे बाबू आए, बड़े सर जी किया गाड़ी में पहुंच दीजिए। देखिए मेरा मन कटहल के दायरे में है कि पत्नी के दायरे में। आप लोग को ये कटहल लेते आएगा बाजार देगा 2 घंटा के मारे पूरे बात न करे सलाह। यदि पत्नी मेरे मन की परिधि में है तो कैसा कटहल है, अगर गुरु आपकी परिधि में है तो शिव चर्चाएं हैं, नमन शिवाय है, वो है, दूसरों को शिव की ओर प्रेरित करना है, खुद भी प्रेरित होना है, बहुत सारे काम। और इन सारे कामों को जोड़ के देखिए कि क्या 4 घंटा हो रहा है, 4 घंटा नहीं हो रहा है। तो आप 50 साल के शिव से सोइए, मैं हरिनारायण शिव कहते से आपको शिव से मानने नहीं जाता, लेकिन शिव से बनाने आया हूं, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझको खुशी है, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। पढ़िए आगे, मेरे पास समय कम है, ऐसा नहीं कि हमको आपको शिव की ओर खेलना पड़े। का है 1986 में महादेव ने मुझसे पूछा था क्या करते हो, आप गलती से कहिए भूल से कहिए, मैं डिप्टी कलेक्टर था, कह सकता था मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, नौकरी करता हूं। मेरे मुंह से निकल गया मैं शिव शिष्य से बनाता हूं, बस इतना ही निकला मैं शिव शिष्य से बनाता हूं 86 में। उसके सामने निकला जो दुनिया की सरकार का मालिक है, दुनिया की सरकार का मालिक कहा जाता है शिव सरकारों के सरकार का। उसके सामने मैंने 86 में कहा कि मैं शिव शिष्य से बनाता हूं। बहुत लाल बाबू हो, भैया हो, बाबू हो, भैया हो, चला हो, ये भैया चलो नहीं यार, क्या कर रहे हो यार, बढ़ो नहीं यार, शिव की ओर चलो नहीं यार, क्या करें, हमने तो महादेव के सामने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं शिव जी से बनाता हूं, छोड़ दू नहीं बनाऊ आपको कि बनाऊ, मैं बनाऊंगा जैसे बनिए आप, मैं शिव का शिष्य आपको बनाऊंगा, आगे ना महादेव जाने मैं बनाऊंगा जरूर, प्रेम से बनिए, खेल के बनिए या महादेव की दया से बनिए, आपको बनना पड़ेगा, अन्य तो कह दीजिए मैं शिव शिष्य नहीं हूं, जरा भी आपकी ओर मैं नजर उठा के नहीं देखूंगा, हम लोग देखिए फिर आ जाइए, लेकिन मैं नहीं शिव से तो बनने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने कहा ये संस्था है उसी दिशा में काम करें, आप भी उसी दिशा में काम करिए। लौकिक जगत तो ऐसे ही चलता है, पैसा नहीं मिलेगा सर कपड़ा नहीं मिलेगा, देखो टॉपी नहीं मिलेगी बच्चों को, उसकी व्यवस्था करिए, लेकिन समय निकाल के शिव की ओर चलिए। हमसे ज्यादा बिजी आप नहीं है, मैं 6 साल पटना कंट्रोलर का जिले का इंचार्ज रहा हूं, टाइम से लेकर सब कुछ की सब इच्छा मुझको करनी पड़ती थी, तब मैं रात में आता था, दूरी भागत घर में मेरे आता था और तब शिव चर्चाएं करता था, 6 बजे का शहर ही जाता था,
दो बजे लौटता था और चर्चा सुबह 4 बजे खत्म होती थी। प्रतिदिन एक दिन नहीं, सुबह 4 बजे चर्चा खत्म होती थी। मैं साहिबगंज गया था, तिनसुकिया मेरे राजा बाजार तक पहुंची, बाढ़ आई हुई थी, टाउन में पानी घुसा हुआ था, नीलम का पांव बाढ़ में पड़ गया, हमको छोड़ने यहां पानी कल नहीं रहेगा। और हम लोग जो खाट चर्चा में बैठे, हम कहा कि अब सोना चाहिए, तो साहिबगंज के गुरु भाई ने कहा कि सर मुंह धो लीजिए सूरज आसमान में। चलिए मेरी कड़ी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपको तो मैं शिव शिशु बनाऊंगा जैसे बन गया।